अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इशाल की जो फ्रेंड है वो आप लोगों को हेलो कह रही है, आप लोगों को कह रही है हेलो कैसे हो आप। तो ये जी है इशाल की डॉल और ये इशाल से बड़ी है। इशाल खड़े हो जो, इशाल खड़े हो जो, आप खड़े हो देखो कैसे। ओए होए इतनी बड़ी डॉल, ये देखें जी इतनी बड़ी डॉल है ये इशाल की, प्यारी है ना। थोड़ी थोड़ी वो पारी दे रही है, पारी 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 पारी। हाँ जी आज जो मौसम है वो बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, तो फिर हम बनाने लगे हैं यम्मी सा केक इसी उसमें खुशी में कि मौसम अच्छा है, तो मैं भी बनाती हूँ केक। तो आज मैं बना रही हूँ केक, मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। केक ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही, छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि मीठा हम लोग इतना नहीं खाते। मेरी बारिश की बेली जो है ना वो और काजिम जो है ना वो शौक से खाते हैं, तो फ्रेश बना लिया। बस एक मैं दो अंडे से बना रही हूँ, तो दो अंडे अंडे तोड़ते हैं, एक मैं अंडा तोड़ती हूँ, एक हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा है। ओपेटर से मैं अंडे बीट कर रही हूँ, इतना बीट करना है कि अच्छी तरह मतलब गाढ़े हो जाए, और फिर इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। हम ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसको दोबारा बीट करती हूँ। लहसुन पे डाल दिए, ये तकरीबन आधे से ना मतलब आधे से थोड़ा सा कम है, इसको मैं इसमें डालती हूँ, फिर बीट करती हूँ और फिर इसमें मैदा शामिल करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून डालूँगी गलती हूँ, तो इसमें हाफ टी स्पून डलेगा बेकिंग पाउडर। और ज़्यादा मसला जो मुझे ना वो हो रहा है इससे, मेरे पास जो होल्डर है पकड़ने वाला मोबाइल वो ख़राब हो रहा है, इसलिए चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रही है जी। मैं डाल रही हूँ, इससे पहले करती हूँ चम्मच से मिक्स। इसकी जो ग्रीस कर रही हूँ मैं कटोरे को, रेडी होके मिक्सर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि कोई बबल्स ना हो। और ये जी ओवन हो गया हमारा गर्म, मेरा बेटा अभी से हैप्पी बर्थडे कर रहा है, तो ये जी आ गया, इसको हम करते हैं बंद। और ये जी रख दिया है मैंने 15 मिनट के लिए, लेकिन मैं इसे थोड़ा पहले चेक भी कर लूँगी। चलो देखिए केक हमारा तकरीबन 20 मिनट में पक गया, और ये मैं इसके जो है ना साइडों से हटा के, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है। हाँ जी खाते हैं, खाते हैं जाके। तो इसको मैं पलटती हूँ प्लेट में, ये देखें क्योंकि काट के मैं दिखाती हूँ, अभी बाद में दिखाती हूँ। मेरी बेटी ने ना हैप्पी टू यू करना है, तो ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट सा और यम्मी स्पंज केक बना, देख सकते हैं। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर इशाद, ये देखें जी केक कितना स्पंजी है, अच्छा बना है ना। अभी थोड़ा गर्म था लेकिन मेरी बेटी बेसब्री हो रही थी, इंतज़ार नहीं हो रहा था उससे। आज ही बन रहा है धोवा गोश्त, बस रेसिपी जल्दी जल्दी मैं बना चुकी है, बस एंड ही चल रहा है। ये देखिए इसके ऊपर प्याज रखे जाते हैं ऐसे काट के पतले पतले रिंग शक्ल में, और ये एंड में मतलब ये दम पे है। अब इसको मैं धुआं लगाऊंगी, उसकी इतनी खुशबू और इतने मज़े का ये बनता है, लाजवाब।
इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसकी वीडियो। तो ये देखें प्याज इसमें, बस अब ये धुआं इसको मैं लगा रही हूँ। ये प्याज का मैं छिलका रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ दहकता हुआ कोयला, ठीक है। और इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्रॉप्स जो है ना वो, ओए होए होए क्या ही बात है, ये इसको मैं बंद कर दूंगी सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस अभी मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। ओए क्या ही बात है, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। ये हम निकाल लेते हैं, प्याज भी साथ निकालिए। रोटी का टुकड़ा हो, फॉइल हो, जो भी है ना उसके ऊपर रख के आप कर सकते हैं। तो ये जी बन गया हमारा धुआं गोश्त, वाह। चलो जी हम खाते हैं इसे यम्मी यम्मी रोटी के साथ और आप इंजॉय करें। लाइट ज़रा कम थी, ये देखें अभी भी प्याज जो है ना वो थोड़े थोड़े से साबुत हैं, अच्छे लगते हैं। ये देखें रिंग शक्ल में काटे थे बारीक बारीक। हाँ जी आज जी हमें मिले हैं मोर के पर, हमारे घर की छत के ऊपर ना पीछे नेबर हैं उनके हैं मोर, तो वो आके बैठते हैं और उनके ना पर गिरे हुए थे, मैं उठा के ले आई, कितने ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। वाओ ये देखें जी चमक देखें उन्हें, तो मेरी बिल्ली तो बड़ी खुश हुई खड़ी है, विशाल ब्यूटीफुल है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। हमें बचपन में बहुत शौक होता था मोर के पर इकट्ठे करने का, बहुत खुश होते थे हम लोग, हम बुक में रखते थे, साथ चीनी डालते थे, पता नहीं होता था कि ये बढ़ जाएंगे, जो ये वाली चीज़ है ना इसकी, ये तोड़ के बुक में रख देना। भले भले बच्चे थे, क्या करें फिर, अभी भी भोले भाले हैं। हाँ जी ये देखें कितना ब्यूटीफुल है, वाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बारिश हो गई। ये देखें जी नज़र शायद नहीं आ रही इतनी, पौधे मज़े कर रहे हैं, यम्मी यम्मी बारिश हो रही है। हाँ शाल बारिश हो रही है, अंधेरा नजर नहीं आ रहा इतना, पहले काफी आंधी आई है। ये देखें बिजली थोड़ी चमक रही नजर आई होगी शायद, लेकिन बारिश हुई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजे की बारिश हुई है। शोर सुन रहे होंगे आप, आओ शाल देने हो रही है मीठी, चले शाल अंदर। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मजे की बारिश हो रही है और इतनी ठंडी हवा है ना शाल, मोहम्मद अहमद भी खुश हो रहा है। ये शाल बिल्ली पहले अंधेरी आई है, बरामदे का हशर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बारिश तो आई है।